अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वन मोर एपिसोड ऑफ विरासत। इस जर्नी में हमने बहुत सारी ऑथेंटिक डिशेस एंड रेसिपीज़ देखी और मेरी मदर के पास काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई कि वो कुछ ऑथेंटिक इटालियन सीखना चाहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ऑथेंटिक इटालियन डिश लेके आया हूँ जिसका नाम है मुसाका। तो ये बेसिकली एक मीट बेस्ड डिश है जो कि इट्स अ वेरी ऑथेंटिक इटालियन रेसिपी। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इन्ग्रीडियंट्स के साथ। इसके इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए 2 टीस्पून ऑयल, 3 टीस्पून हीटेड बटर, हमें 2 स्मॉल अनियन चाहिए डाइस्ड, 5 मीडियम टोमेटो, थोड़ी सी धनिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमें 1/2 kg मटन मिंस चाहिए, सॉल्ट एंड वाइट पेपर, हमें 2 स्मॉल स्लाइस्ड पोटैटोज चाहिए और 1 छोटा ब्रिंजल चाहिए हमें जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। उसके बाद हमें 3 बॉइल्ड एग्स चाहिए बाद में डेकोरेशन के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए वो है 500 ml वाइट सॉस। अब मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि ये वाइट सॉस कैसे बनता है। इस वाइट सॉस के लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून मैदा, 500 ml मिल्क और 2 कप प्रोसेस्ड चीज़। इसका सिंपल तरीका बनाने का ये होता है कि पहले बटर को हीट कर लीजिए, जब वो मेल्ट हो जाए तो उसमें 3 से 5 मिनट मैदा डाल के भून लीजिए। जब मैदा उस बटर में भुन जाए उसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये सब हमें करना है कम आँच पे। जब ये अच्छे से भुन जाए तो हमें थोड़ी सी आँच को बढ़ा के उसमें हीटेड मिल्क ऐड करना है। और याद रहे हीटेड मिल्क थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें, थोड़ा सा डालें उसको मिक्स करें, फिर थोड़ा डालें उसको मिक्स करें। इससे क्या होगा, लंप नहीं बनेंगे और बहुत एक स्मूथ और अच्छे टेक्सचर वाला वाइट सॉस मिल जाएगा। जब ये आपका मिक्स थिक हो जाए इसमें अपना 2 कप चीज़ डाल दीजिए आप, सॉल्ट एंड पेपर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल के उसको गर्म कर लें तो आपका ये वाइट सॉस तैयार हो जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा हुआ है। और लास्ट में हमारे पास ये है लहसुन और अदरक। लहसुन 4 से 5 जवे है और अदरक 1 छोटा 1/2 इंच का मीडियम पीस, दोनों छोटा छोटा चॉप किया हुआ। तो ये रेसिपी बनाना हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक पैन लेंगे जिसको हमें थोड़ा सा हीट करना है। ये पैन जब हीट हो जाए तो इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम डालेंगे ऑयल। ये ऑयल को हम थोड़ा सा हीटअप होने का वेट करेंगे। जब ये ऑयल हमारा हीट हो जाएगा तो इसमें जो हमारी चॉप्ड अनियन है हम वो डाल देंगे इसमें। हमें अनियन को बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है, जब हल्का कलर चेंज कर ले तो हमारे लिए उतना बहुत होगा। अब ये परफेक्ट हो चुका है दूसरा इंग्रेडिएंट डालने के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे चॉप किया हुआ जो हमारे पास लहसुन और अदरक है। जैसे ही आप इसमें लहसुन अदरक डालेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा जो कि एविडेंट होता है कि प्याज अच्छे से कुक हो रहा है एंड हमारे मसाले भी अच्छे से कुक हो रहे हैं। अब ये हमारा प्याज और वो रेडी हो चुका है। इसमें अब ये जो हमारा मटन मिंस है ये हम डाल देंगे। जब भी ये रेसिपी मैंने किसी को बताई है तो यूजुअली लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि हम इसमें मटन मिंस डाल रहे हैं और प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये जो मिंस हमने लिया है ये हमने मशीन से करवाया है तो ये इतना ज़्यादा फाइन हो चुका है कि ये पैन में ही पक जाएगा, तो आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ये डाल के हम थोड़ी देर कुक कर लेंगे इसको। अब हमें इसको जो है 5 से 10 मिनट पकाना है जब तक इसका प्रॉपर कलर ना चेंज हो जाए। जब थोड़ा सा ये कलर चेंज करने लगे तो इसमें हम लोग डाल देंगे जो हमारे पास वाइट पेपर एंड सॉल्ट था वो हम लोग स्प्रेड करके डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इसको मिक्स करना है एंड मिक्स करके यहाँ पर इसकी आप आँच कम कर दीजिएगा ताकि ये स्लो आँच पे अपने ही जूसेस में पके। अब ये जब तक 10 से 15 मिनट हमारा ये मिंस पकेगा इसको हम लोग दूसरी फ्लेम पे कर देते हैं और इस फ्लेम पे बचे जो हमारे दोनों वेजिटेबल्स हैं यानी कि ब्रिंजल और पोटैटो इसको हम लोग हल्का सा फ्राई करेंगे सब्जी में डालने से पहले। तो ये मैं इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ
एंड इस फ्लेम पे हम लोग डालेंगे पैन, अब इस पैन को थोड़ा सा हम हीट अप कर लेंगे। अब हमारा ये पैन गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मेल्टेड बटर है वो थोड़ा सा डाल के इसको हम लोग स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। एंड ये करने के बाद जो हमने बैगन के स्लाइसेस काटे थे वो स्लाइसेस हम लोग रोस्ट कर लेंगे। जो हमने आलू के स्लाइस काटे थे हम लोग उनको थोड़ा सा बटर में टॉस कर लेंगे। तो आप जैसा देख सकते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड था उतना फ्राई हो चुके हैं ये बैंगन भी एंड आलू भी। तो इनको हम लोग निकाल लेते हैं और ऐसे ही हमारे पास जितने बैंगन और जितने आलू हैं सबको हमें इसी तरीके से बटर में फ्राई करना है। तो ये हमारे बैंगन भी रेडी हो चुके हैं, हमारी सारी सब्जियां ये फ्राई हो चुकी हैं, तो ये हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, अब हमारा जो इसमें कीमा है इसमें भी इसका ज़्यादातर जितना पानी था सब पानी उड़ चुका है, तो थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करके इसमें हम लोग डाल देंगे डाइस किए हुए टमाटर। इसमें टमाटर डालते ही इसका पूरा कलर चेंज हो गया है और टमाटर डाल के इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे एंड फिर इसको हम लोग पकने के लिए रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कीमे का बहुत अच्छा कलर आ चुका है। ये हमने पैन में अराउंड 20 से 25 मिनट पकाया है। जब इसका अपना नेचुरल पानी ड्राई हो जाए जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये हमारा डिश आउट करने के लिए रेडी है। अब चूंकि इस डिश को हम बेक करेंगे तो इसमें हम प्रेफरेबली एक बोरोसिल डिश लेंगे जो कि ओवन एंड माइक्रोवेव सेफ होगी। और अब जो है हम इस कीमे को डिश में निकाल लेंगे। तो पहला काम हम लोग ये करेंगे कि अब हमने जो कीमा निकाल लिया है इसको डिश में डालने के बाद थोड़ा सा पैट करके एक इवन लेयर कर दें। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सिमिलर टू लज़ानिया, ओनली द लेयर्स एंड द प्रोसेस इज़ अ बिट डिफरेंट बट देन मोर और लेस इट इज़ द सेम सिमिलर थिंग रादर। तो पहली लेयर हमारी कीमे की हो गई, उसके बाद सेकेंड लेयर हम लोग इसमें डालेंगे वो है हमने जो पोटैटोज बटर में फ्राई किए थे। मेक श्योर ये पूरी एक लेयर है तो कंटिन्यूस वे में इसको हम लोग लगा दें। सो हमारी पहली लेयर पूरी हो चुकी है, अब हमारी सेकंड लेयर होगी हमारे बैंगनों की। चूंकि ये डिस्टिंक्टिव लेयर्स हैं तो इसको लेयर्स की ही तरह सेट करें। अब हमारी जब ये दो लेयर्स पूरी हो चुकी हैं तो थर्ड लेयर होगी हमारे वाइट सॉस की। एंड डिश के बिगनिंग में ही मैंने बता दिया था कि वाइट सॉस की रेसिपी क्या है, तो अगर आप लोग को याद ना हो तो यू कैन गो टू द बिगनिंग ऑफ द वीडियो एंड चेक फॉर द रेसिपी ऑफ दिस डिलीशियस वाइट सॉस। वाइट सॉस में मेक श्योर कि यू मेक इट अ लेयर। तो अब इसको लेयर को हमें पूरा स्प्रेड करना है। अगर आप लोगों को वाइट सॉस की जो रेसिपी है अगर उसका वीडियो चाहिए तो उसका एक वीडियो भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग जाके उस वीडियो से भी इस डिलीशियस वाइट सॉस को बनाना सीख सकते हैं।
बस एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पूरा वाइट सॉस इवनली हर लेयर पे स्प्रेड हो जाए, ये पूरी डिश में मुझे इवन चाहिए, क्योंकि अभी हमने बेक नहीं किया है तो इसमें लेयर्स थोड़ी सी सेंसिटिव हैं, इसलिए हल्के हाथ से स्प्रेड करें इसको। बट मेक श्योर यू स्प्रेड द सॉस इन द एंटायर डिश। तो ये हमारा सॉस पूरी तरीके से स्प्रेड हो चुका है। अब इस पे हम एक स्पेशल लेयर लगाएंगे जो कि है बॉइल्ड एग्स की। तो इसको अपने हिसाब से, अपने डिज़ाइन से सेट कर दें। तो ये हमारे बॉइल्ड एग की लेयर आ चुकी है। अब फाइनल उसके लिए, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दें। और फिर फाइनली इसके ऊपर एक छोटी सी लेयर श्रेडेड प्रोसेस चीज़ की। और चीज़ एक्चुअली में कैसी चीज़ है कि आपकी पर्सनल चॉइस है। बहुत से लोगों को ज़्यादा चीज़ पसंद है, जैसे कि मैं, तो मैं यूजुअली ज़्यादा चीज़ डालता हूँ। अगर क्योंकि ऑलरेडी ये डिश बहुत ही चीज़ी है, तो अगर आपको ऊपर कम डालनी है चीज़ तो इट्स योर पर्सनल चॉइस, बट अगर मेरा सजेशन लें तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रखें। ये फाइनली हमारा सारी लेयर के बाद मुजाका रेडी हो चुका है अवन में जाने के लिए। तो अवन में डालने के लिए अवन को हमने 150 डिग्री सेल्सियस पे प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए, एंड देन टेम्परेचर को 120 डिग्री करके इसको उसमें डाल दीजिए। अब हमारी डिश को अवन में गए हुए अराउंड हाफ एन आवर हो चुका है, तो हमने हाफ एन आवर इसको पकने दिया है 120 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अमेजिंग खुशबू आ रही है। तो अब आधा घंटा पूरा हो चुका है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा मुजाका रेडी हो चुका है, ये ऑथेंटिक इटालियन डिश हमारी। तो दोस्तों, अगर ये डिश आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली यू नो व्हाट टू डू, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू विरासत, एंड होप यू गाइज एंजॉयड इट। टेक केयर।